आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान महादेव के नंदीश्वर अवतार की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से महादेव की कृपा से मन इच्छा पूर्ण होती है, उन्नति के रास्ते खुलते हैं, व्यापार व कारोबार में बढ़ोतरी होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन काल में एक बार सनत कुमार जी ने नंदीश्वर जी से पूछा कि हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से कैसे उत्पन्न हुए और आपने शिव तत्व कैसे प्राप्त किया, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया कर कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, शिलाद नाम के एक ऋषि थे। पितरों के उद्धार की इच्छा से उन्होंने इंद्र के उद्देश्य से बहुत समय तक कठोर तप किया। तप से संतुष्ट होकर इंद्र उनको वर देने को आए। इंद्र ने शिला से कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब इंद्र को प्रणाम कर आदर पूर्वक स्तुति कर शिलाद हाथ जोड़कर बोले, हे देवेश, आप प्रसन्न हो तो मुझे मृत्युहीन अयोनिज पुत्र की प्राप्ति हो। इंद्र बोले, हे मुने, मैं तुमको मृत्युहीन अयोनिज पुत्र नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान विष्णु से ब्रह्मा तक सब मृत्यु वाले हैं, औरों की तो बात ही क्या है। यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो वह तुम्हारे लिए मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान कर सकते हैं, अतः आप भगवान शिव को प्रसन्न करें। इतना कहकर इंद्र अपने लोक को चले गए। इंद्र के जाने के बाद शिलाद ने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक महादेव जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और शिलाद से कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। भगवान शिव के ध्यान में मगन और समाधि में लीन शिलाद मुनि ने शिव की वाणी को नहीं सुना। तब भगवान शिव ने उन मुनि का हाथ से स्पर्श किया, जिससे उनकी समाधि छूट गई और अपने नेत्रों के सम्मुख अपने आराध्य उमा सहित भगवान शंभु को देखकर वे मुनि आनंद पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़े और बड़े हर्ष से गदगद वाणी में वे भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने शिलाद से कहा, हे तपोधन, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझको अपने समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव बोले, हे विप्र, मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ नंदी नामक अयोनिज पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। हे मुने, तुम मुझ लोक त्रय के पिता के भी पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। इस प्रकार शिलाद को वर देकर शिव पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गई। शिलाद मुनि ने अपने आश्रम पर आकर यह सारा वृतांत अन्य मुनियों से कहा तो सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। हे सनत कुमार, कुछ समय बीतने पर एक दिन शिलाद यज्ञ करने के निमित्त यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। उसी समय मैं उन शिव की आज्ञा से उनका पुत्र रूप होकर प्रलय अग्नि के समान प्रकट हुआ। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और ऋषिगण भी चारों तरफ से पुष्प वर्षा करने लगे। हे मुने, उस समय मेरा स्वरूप प्रलय काल के सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित
तथा त्रिनेत्र चतुर्भुज और जटा मुकुट धारी था। साथ ही वह त्रिशूल आदि शस्त्रों को धारण किए हुआ था। मेरा ऐसा स्वरूप देखकर मेरे पिता ने मुझे प्रणाम किया और बोले, हे सुरेश्वर, तुमने मुझे महान आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। तब मेरे पिता मुझे अपनी पर्ण कुटी में ले गए। पर्ण कुटी में पहुंचकर मैंने अपना वह रूप त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। हे सनत कुमार, मुझ पर अत्यधिक स्नेह करने वाले उन शालंकायन के पुत्र शिलाद ने मेरे संपूर्ण जात कर्म आदि संस्कार किए। 5 वर्ष की अवस्था में ही मेरे पिता ने मुझे वेदों को और शास्त्रों को पढ़ाया। 7वें वर्ष में मित्रा वरुण संज्ञक 2 मुनि शिवजी की आज्ञा से मुझे देखने आए। तब मेरे पिता से सत्कार को प्राप्त होकर वे मुनि अच्छी प्रकार बैठे और मुझे बारंबार देखकर वे महात्मा बोले कि हे तात, संपूर्ण शास्त्रों में पारगामी ऐसा बालक हमने कभी नहीं देखा, परंतु तुम्हारा यह पुत्र नंदी थोड़ी अवस्था वाला है, इसकी आयु 1 वर्ष की ही और होगी। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर मेरे पिता शिलाद उच्च स्वर में रोने लगे। मैंने अपने पिता को रोते हुए देखकर कहा, हे पिता, आप क्यों रोते हैं, यह मैं तत्वपूर्वक जानता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु के दुख से दुखी हूँ। मैंने कहा, देवता, दानव, यमराज, काल और मनुष्य भी मुझे मारें तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी, इस कारण आप दुखी मत होइए। हे पिता, यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आपकी शपथ खाता हूँ। तब मेरे पिता बोले, तुम्हारी अल्प मृत्यु को कौन दूर करेगा। तब मैंने कहा, हे तात, मैं तप से अथवा विद्या से मृत्यु को दूर करूँगा, केवल महादेव जी के भजन से ही मैं इस मृत्यु को जीतूँगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर पिता के चरणों में सिर से प्रणाम कर और उनकी प्रदक्षिणा करके मैं श्रेष्ठ वन को चला गया। हे मुने, वन में जाकर मैं एकांत स्थल में स्थित होकर अति कठिन और श्रेष्ठ मुनियों के लिए भी दुष्कर तप करने लगा। मैं पंचमुख सदाशिव के परम ध्यान में मगन हो पवित्र नदी के उत्तर भाग में एकाग्रचित से सावधान हो रुद्र मंत्र जपने लगा। तब प्रसन्न होकर सदाशिव पार्वती सहित प्रकट होकर बोले, हे शिलाद नंदन, तुम्हारे तप से मैं संतुष्ट हूँ, तुम अभीष्ट वर मांगो। सामने शिव पार्वती को देखकर अपने सिर को उनके चरणों में झुकाकर मैं उनकी स्तुति करने लगा। तब उन परमेश वृषध्वज ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और बोले, हे वत्स, तुम्हें मृत्यु से भय कहाँ, उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था, तुम मेरे ही समान हो, इसमें कुछ संशय नहीं है। तुम पिता और सह सज्जनों सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय होगे। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपने कमलों से बनी शिरोमाला उतार कर शीघ्र ही मेरे कंठ में डाल दी। हे मुने, उस सुंदर माला को कंठ में पहनते ही 3 नेत्र 10 भुजाओं वाला मानो मैं दूसरा शिव ही हो गया। परमेश्वर ने कहा, और क्या श्रेष्ठ वर दूं। इतना कहकर वृषध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नदी हो ऐसा कहकर उसको मेरे ऊपर छिड़का।
तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर कहा कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र सब गणों का अधिपति तथा प्रिय गणों में मुख्य हुआ। सभी को मेरे इस वचन का पालन करना चाहिए। तुम सब प्रीति पूर्वक नंदी को स्नान कराओ और आज से यह नंदी तुम सबका स्वामी हुआ। शिवजी के ऐसा कहने पर संपूर्ण गणपति बहुत अच्छा कहकर सब अभिषेक की सामग्री ले आए। तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता और नारायण संपूर्ण मुनि प्रसन्न हो सब लोकों से आए। शिव के नियोग से ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। तब भगवान विष्णु ने फिर इंद्र ने इसके पश्चात लोकपालों ने भी अभिषेक किया। तब सभी ने नंदीश्वर जी की स्तुति की। नंदीश्वर ने कहा, हे विप्र, इस प्रकार गणा अध्यक्ष पद पर अभिषिक्त होने के उपरांत मुझ नंदी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुयशा नाम वाली मरुत की परम मनोहर कन्या से विवाह किया। विवाह के समय जब मैं उस रूपवती सुंदरी सुयशा के साथ मनोहर सिंहासन पर बैठा, तब महालक्ष्मी ने मुझे मुकुट से सजाया। देवी ने अपने कंठ का दिव्य हार मुझे दिया। श्वेत वृषभ, हाथी तथा सिंह की ध्वजा, स्वर्ण का हार इत्यादि वस्तुएं मुझे मिली। विवाह के पश्चात मैंने ब्रह्मा जी विष्णु जी के चरणों में नमस्कार किया। तब भगवान शिव ने मुझे सपत्निक देख परम प्रीति से कहा, हे सतपुत्र, तुम पति और यह सुयशा तुम्हारी पत्नी है। मैं तुमको वही वर दूंगा जो तुम्हारे मन में है। तुम मेरे सदा प्रिय रहोगे। तुम अजय महाबली होकर पूजनीय होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम होगे और जहाँ तुम होगे वहाँ मैं रहूँगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव उमा सहित कैलाश को चले गए। इस प्रकार जो मनुष्य नंदीश्वर अवतार की इस कथा को भावपूर्वक सुनता व सुनाता है, महादेव की कृपा से उसके किसी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती। प्रत्येक कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।